आज जो दर्शकों सच बिजनौर न्यूज की जो टीम आई है उसका मुख्य कारण यह है, कल बिजनौर में रिक्शा बंद रहेगी। इसका मुख्य कारण क्या है, डायरेक्ट बात करता हूँ क्योंकि जो हमारे अध्यक्ष हैं, सीधे लाइव बात करने की कोशिश करूँगा और जानकारी दूंगा अपने बिजनौर के दर्शकों को आखिरकार कल रिक्शा क्यों बंद रहेगी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे चैनल पर लाइव आए हैं। देखिए बताइए दर्शकों को कि कल रिक्शा क्यों बंद रहेगी। मैं नानक चंद खेड़ा, अध्यक्ष रिक्शा यूनियन बिजनौर। हम आज 4 साल से प्रशासन का साथ देते चले आए हैं। पहले प्रशासन ने डिमांड की कि ये बिना नंबर की रिक्शा नहीं चलेगी। हर रिक्शा चालक ने, किसी ने कर्जा लिया, किसी ने घर गिरवी रखा, नंबर वाली पेड जो टैक्स पेड की रिक्शा ली, उसके बाद इन्होंने कहा कि नंबर प्लेट लगवाइए इसके बीच में, जबकि रजिस्ट्रेशन वाली रिक्शा है, आरटीओ से रजिस्टर्ड है, फिर रजिस्ट्रेशन किस चीज़ का। हमने उनकी वो भी बात मांगी, इन्होंने रिक्शा चालकों को कमज़ोर समझ लिया। आज इन्होंने 4 बच्चे ले जाने का, 4 सवारी ले जाने का आदेश भेज तुकलगी, ये फरमान जो जारी किया है, उसके विरोध में सारे रिक्शा चालक जिले के हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। खेड़ा जी, अगर बात की जाए पूरे जिले की, लगभग आपको अनुमान होगा कितनी रिक्शाएं हैं? कम से कम 8,000 रिक्शा पूरे जिले में हैं। तो क्या 8 के 8,000 हड़ताल पर रहेंगे कल? नहीं, कल सिर्फ बिजनौर की हड़ताल पर रहेंगी, उसके बाद मंडावर, किरतपुर, एक एक दिन करके सब पूरे हड़ताल रहेगी, और उसके बाद पूरे जिले की अगर समाधान नहीं निकलता तो पूरे जिले की हड़ताल होगी। ये मतलब अगर आपकी बात प्रशासन ने नहीं मानी तो क्या कितना समय का, जैसे कि आपने कल का दिया है, एक दिन का दिया है, क्या ऐलान रहेगा कि ज्यादा दिन की हड़तालें रहेंगी अगर प्रशासन ने आपकी बात नहीं मानी? नहीं, कल तो सिर्फ बिजनौर की रहेगी, उसके बाद मंडावर, किरतपुर, एक एक दिन करके पूरे जिले में हड़ताल होगी, और तब भी नहीं माना तो पूरे जिले की एक मुफ्त हड़ताल होगी अनिश्चित काल। तो मेरी बात चल रही थी, नाना चंद खेड़ा है, अध्यक्ष हैं ये रिक्शा यूनियन के, और मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि कितने लोग खड़े हैं, जरा कैमरामैन दिखाइए सबको। और रिक्शा चालक जो होता है वो एक गरीब परिवार से होता है, और उसकी जो मांगें होती हैं वो हकीकत यही है कि वो हड़ताल करेगा तभी उसकी सुनवाई होगी, क्योंकि कहा जाता है गरीब की सुनवाई जभी होती है जब वो हड़ताल करे या धरना प्रदर्शन करे। तो मैं लगातार अपने दर्शकों से भी अपील करता हूँ कि रिक्शा चालक की ये जो अपील है और ये बंद करने का जो ऐलान है, ये सही है या गलत है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। और लगातार मैं पूरे बिजनौर से फिर अपील करना चाहता हूँ, कल रिक्शा बंद रहेंगी तो परेशानी होंगी, क्योंकि बिजनौर पूरे जिले में हमारे अध्यक्ष जी बता रहे हैं 8,000 रिक्शा, तो कहीं ना कहीं 8,000 रिक्शा चालकों के कारोबार पे मतलब कहा जा सकता है कि 4 आदमी बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं इनका गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है और इसीलिए इन्होंने आज हड़ताल की है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार प्रशासन इन गरीबों की सुनवाई करता है या इनकी जो हड़ताल है वो लगातार चलती रहेगी। धन्यवाद।